अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.8 का फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज रुपीज 23,50,000। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज 17.5%। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या लिखना है। सेम एज इट इज, जैसे क्वेश्चन का है सेम स्टूडेंट्स वैसे ही हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन कितनी है हमारे पास, 23,50,000, ठीक है, 23,50,000। उसके बाद एक्स एम्प्टीड इनकम क्या है, टेबल में देखते हैं। 17.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या आएगी, 17.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक सीलिंग जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 18,00,000, ठीक है, 18 लाख आ गई। अब हमने क्या करना है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है इसकी। इनकम क्या आएगी, 23,500,000 माइनस 18 लाख, ठीक है, 18 लाख। अब हमने इस टोटल अमाउंट में से 18 लाख को माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 55,000 and 00, 550,000, ठीक है, ये हमारे पास आ गया माइनस करने के बाद। अब हमने इसका क्या निकाला है, इनकम टैक्स एट द रेट 17.5% के पॉइंट ऑफ व्यू, 17.5% मल्टीप्लाई 55, क्या आएगा, 55,50,000। अब हमने क्या करना है, इसके पॉइंट को सबसे पहले ओपन करना है, 5 के बाद से पहले पॉइंट था 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा 55,50,000, 100 इसका आ गया परसेंट का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 175 को इस पूरी वैल्यू के साथ, ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 9,625,000 ओवर 1,000, ठीक है, 30 किसके साथ कटिंग कर दी हमने, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 96,250, यानी 96,250 रुपीज़, ठीक है। अब हमने एक्सीडिंग के साथ उसने ऐड जो वैल्यू करने के लिए हमें ऐड अमाउंट जो बोला था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल इनकम टैक्स एक्सीडिंग के साथ 7.5 के साथ जो हमें हमारे पास एडिंग वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, हमारे पास आ रही है 1,40,000, ठीक है, क्या आएगी हमारे पास, 40 आएगी, ठीक है, 100,000 प्लस क्या हो जाएगा, 96,250। जब हम इस पूरी वैल्यू को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 23,6,250, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस पूरी अमाउंट पे जो हमने टैक्स पे करना है वो है 23,6,250 रुपीज़, जो है हमने क्या करने हैं, इस पूरी अमाउंट पे टैक्स पे करना है, ठीक है। वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने 6 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, 4.8 का चैप्टर नंबर 4 का। कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम ₹2,28,75,000, द रेट ऑफ टैक्स इज 20%, ठीक है, क्या आएगा, इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन कितनी है हमारे पास, 28,75,000, ठीक है। एक्स एम्प्टीड टैक्स देखना है हमने, हमारे पास क्या आएगा, एक्स एम्प्टीड इनकम, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है, उसको फॉल करना है,
20% से, ठीक है। उसके साथ उसने फॉलोइंग अमाउंट भी दिए हुए, अगर आपकी रकम इतनी हो, इतनी से इतनी हद तक हो तो उसमें क्या फॉल करेगा। साथ आपने ये भी देखा 20% है, 20% के साथ देखना है आपने एक सीलिंग वैल्यू जिसने दी हुई है। 20% में उसने हमें एक सीलिंग वैल्यू दी हुई है 25 लाख दी हुई है उसने हमें वैल्यू। हाँ जी, 25 लाख दी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 250000, ठीक है। 25 लाख दी हुई है, यहाँ पे हमने आगे क्या निकालना है, टैक्सेबल इनकम। क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से ये वैल्यू हमने क्या करनी है, माइनस कर देनी है, ठीक है ये, ठीक। अब जब हमने इस पूरी अमाउंट में से ही वैल्यू को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 375000, 375000, ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसका 20% के पॉइंट से रेट निकालना है इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इनकम टैक्स एट द रेट 20%, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 20% मल्टीप्लाई 375000, ठीक है। 20/100 375000, ठीक। अब हमने इस 20 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 75000/100, ठीक है। ओवर 100 आ गया, 20 की होगी, 20 से कटिंग, बाकी हमारे पास कितनी अमाउंट बची, 75000। अब उसने एडिंग के लिए साथ हमें क्या वैल्यू दी हुई थी, क्या अमाउंट दी हुई थी, हमने उसको ऐड करना है। टोटल इनकम टैक्स 20% के साथ उसने हमें एडिंग वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 26 लाख 2500 प्लस 75000, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 33,750, 3,37,500, ये ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल टैक्स आ गया, इनकम टैक्स जो हमने पे करना है 20% के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर करने के साथ आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले।